हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई टेक्निकेशन एडियो चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली जिसने फेसबुक अकाउंट का यूज़ करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आपने उस फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को पता करना है। और यहाँ पे दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो दोनों तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। उस दो तरीके को अप्लाई करके आप बहुत आसान तरीके से अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है, आप जब उस फेसबुक अकाउंट को क्रिएट किया था यानी बनाया था, उस फेसबुक अकाउंट को बनाने के टाइम आपका जो भी पासवर्ड दिया था, अगर उस पासवर्ड को बाई मिस्टेक सेव करके रखा हो अपने डिवाइस के अंदर या फिर फेसबुक ऐप के अंदर, तो वहाँ पर आप लोग उस सर्विस के अंदर जाके आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड क्या है। और जो दूसरा तरीका है वो अपने फेसबुक अकाउंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड फॉरवर्ड करने का एक ही वहाँ पर सेटिंग्स है, तो फेसबुक का ऐप के अंदर या फिर ब्राउजर के यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे फॉरवर्ड करना है एंड फॉरवर्ड करने के बाद आप लोगों को पासवर्ड कैसे न्यू देना है एंड उसके पासवर्ड कैसे फाइंड करना है, सब कुछ मैं आप लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में वन बाई वन लाइव के साथ दिखा देता हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका फाइनली मैं मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन के अंदर एंड आप भी आपका मोबाइल फोन के स्क्रीन के अंदर आ जाइए एंड मोबाइल फोन के स्क्रीन के अंदर आने के बाद सक्सेसफुल आपका फेसबुक का जो ऐप है उस ऐप को ओपन कर लीजिए। उससे आपका जो भी आईडी वहाँ पर लॉगिन करके रखा हो, ठीक है, उस आईडी को सबसे पहले लॉगआउट कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पर देखिए ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, उस फेसबुक अकाउंट को सबसे पहले मैंने लॉगआउट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है बहुत सारे लोग का फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर भूल जाते हैं लेकिन उसका जो आईडी है यानी जो फेसबुक अकाउंट है वो उनका ऐप के अंदर या फिर कोई ब्राउजर के अंदर लॉगिन देखने को मिलता है, मतलब लॉगिन करके रखता है और वो चाहता है कि उस पासवर्ड को जानने के लिए या फिर फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसलिए मैंने सिंपली इसको लॉगआउट कर दिया, ठीक है, लॉगआउट कर देता हूँ। आप सिंपली इसको लॉगआउट कर दीजिए एंड लॉगआउट करने के बाद अभी आप लोग करने का हुआ, सबसे पहला जो तरीका है वो अगर आपका पासवर्ड को सेव करके रखते हैं अपने डिवाइस के अंदर, ठीक है, उस तरीके से आप लोगों ने उस पासवर्ड को देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं लॉग इन इंटू अनदर अकाउंट, ठीक है, उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल, उसके बाद सिंपली एक बार टाइप करने के बाद, ठीक है, आपका जो भी पासवर्ड आईडी आपका जो भी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर आईडी सेव करके रखा हो उसका डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर सबसे पहले एक ईमेल देखने को मिल रहा है, मैंने ईमेल आईडी यूज़ करके फेसबुक अकाउंट बनाया था, क्रिएट किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेव करके रखा हूँ। अगर आप लोगों के सामने इस तरीके से कोई भी इंटरफेस आता है तो 100% आप लोग श्योर हो जाना है कि आपका फेसबुक अकाउंट बनाने के टाइम क्रिएट करने टाइम आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपका फोन के अंदर डिवाइस के अंदर सेव करके रखा हो। सिंपल उसके भी एक बार टैप करना है, उस पर लॉगिन वाला ऑप्शन के भी एक बार क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं एक आई का बटन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उस आई के बटन को क्लिक करके आपका फेसबुक का पासवर्ड को पता कर सकते हैं। ये सबसे पहला तरीका, ठीक है, मैंने सिंपल आई के बटन को क्लिक किया। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपका ये हाइड हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल फोन है तो इसलिए इसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ये सबसे पहला तरीका। अभी जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पर देख सकते फॉरगेट पासवर्ड, अभी इसको सिंपल हाइड कर देता हूँ। अभी आप देख सकते नीचे की तरफ आप लोग को फॉरगेट पासवर्ड बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल इसके पर एक बार टैप कर दीजिए यानी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल एक बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आई डोंट सी माई अकाउंट, ठीक है। अगर आपका कोई भी अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को इसके पर सिंपल एक बार क्लिक करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला यहाँ पर जो ईमेल है, ठीक है, मतलब ये जो मेरा फुल नाम देखने को मिल रहा है मेरा पिक्चर के साथ, उस आईडी का मतलब उस फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को यहाँ पर फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग के सामने इस तरीके से कोई भी इंटरफेस आता है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसके अंदर कोई भी आपका अकाउंट नहीं है तो आई डोंट सी माई अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उससे सिंपली आपका जो भी फेसबुक अकाउंट को क्रिएट करने के टाइम जो भी मोबाइल नंबर या पर रजिस्टर फोन नंबर या पर रजिस्टर ईमेल आईडी दिया था उसको सिंपली यहाँ पर डाल के फाइंड करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आई डोंट सी माई अकाउंट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ मतलब समझ में आने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर डाल के फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सर्च बाय ईमेल। तो मैंने सिंपली ईमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने ईमेल आईडी से फेसबुक अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो मैं सिंपली मेरे ईमेल आईडी को डाल देता हूँ। अभी ईमेल आईडी डाल दिया, अभी यहाँ पर देख सकते फाइंड अकाउंट, इसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करूँगा, अभी मेरा जो भी अकाउंट है वो आ जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते मेरा ये फेसबुक अकाउंट आ चुका है। अभी सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली देख सकते यहाँ पर कंटेंट वाला एक ऑप्शन आ चुका है, सिंपली कंटेंट वाला ऑप्शन के भी एक बार क्लिक कर दूँगा। अभी यहाँ पर देख सकते न्यू पासवर्ड, ठीक है, ये जो न्यू पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके बाद सिंपली आप लोग एक बार क्लिक करना है। अभी आप लोग न्यू पासवर्ड दे देने हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर मेरा नाम दे देता हूँ, ओके, उसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद सिंपली हैच लगा दूंगा, ओके। अभी यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट के अंदर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा जो कि लॉग आउट ऑफ अदर डिवाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये जो फेसबुक अकाउंट है उस फेसबुक अकाउंट को मतलब जो भी दूसरा दूसरा डिवाइस के अंदर लॉगिन करके रखा हो या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर वहाँ से लॉग आउट हो जाए तो वहाँ पर उसको उस अकाउंट को लॉग आउट करने के लिए ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन को भी सिंपली एक बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली देखिए यहाँ पर कंटिन्यू, तो आप सिंपली इस कंटिन्यू वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, ओके।
उससे आपका जो फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड में चेंज हो जाएगा। अभी फाइनली यहाँ पर देख सकते जो पासवर्ड वो चेंज हो रहा है। देखिए फाइनली जो मेरा फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से आपका फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को फाइंड कर सकते हैं एंड ये फॉरगेट एंड चेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो फिर नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके आप जरूर शेयर कर लिया ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिलता रहेगा। सो फिर चलो आज के इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।